हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल टेक मजबूल। दोस्तों, मेरा नाम है एफडी मजबूल अंसारी और आप सभी लोग देख रहे हैं हमारे चैनल टेक मजबूल। तो दोस्तों, आज मैं बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ कि अपने फोल्डर फाइल जो भी डॉक्यूमेंट्स है, फोटो वगैरह, उसे चोरी होने से कैसे बचाएं। जी हाँ दोस्तों, आपके पास फोल्डर है और गैलरी है और MX प्लेयर भी है, तो उसमें अगर आपने लॉक भी लगा के रखे हैं तो भी आपका जो फोल्डर और फाइल और फोटो जितने भी सारे चीज़ें वो चोरी हो जाते हैं। तो चलिए आज देख लेते हैं कि किस तरह से चोरी हो जाता है और आप इसे किस तरह से बंद करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको प्रूफ के तौर पे दिखा देता हूँ कि मैंने जितने भी फाइल है और फोल्डर है उस पर लॉक लगा दिया हूँ। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि किस पे मैंने लॉक लगाया है और किस उपाय कहते हैं। यहाँ फोल्डर पे देख सकते हैं, मैंने फोल्डर पे क्लिक किया तो यहाँ पे फोल्डर पे लॉक लगा हुआ है और मेरे पास दो फोल्डर है, तो मैं दोनों फोल्डर को दिखा देता हूँ। तो आप लोग गौर से आप इस वीडियो को पूरा तक देखते रहिए। तो यहाँ पर मैं और यहाँ पर देखिए, हमारा सेकेंड फोल्डर ये है, तो इसमें भी लॉक लगा हुआ है। और यहाँ पे गैलरी पे मैं दिखा देता हूँ कि गैलरी में भी मेरा लॉक लगा हुआ है, लेकिन आपका फाइल चोरी हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ से चोरी होता है और किस तरह से चोरी होता है और आप इस तरह से कैसे बचेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ढूंढना है। तो क्रोम ब्राउज़र को चलिए हम लोग दोस्तों ढूंढ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्रोम ब्राउज़र है। तो क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे सर्च बार पे जो है सर्च और टाइप वेब एड्रेस, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप यहाँ टाइप कीजिए। मैं जो टाइप करता हूँ जैसे कि फाइल, यहाँ पे मैं अपना टाइप करता हूँ कि किस तरह से चोरी होता है। तो यहाँ पे जो चोरी करने वाला है कुछ इस तरह से लिखता है, फाइल उसके बाद डबल डॉट यहाँ पे, उसके बाद ट्रिपल स्लैश, उसके बाद यहाँ पे SD कार्ड। जो चोरी करता है वही इस तरह से यहाँ पे लिख देता है आपके मोबाइल पे, और लॉक लगा हो चाहे जो भी हो वो फोल्डर सारे के सारे ओपन हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे इंडेक्स ऑफ SD कार्ड जो है, आपके जितने भी सारे डेटा है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके कुछ उदाहरण दे के कुछ दिखा देता हूँ कि आपका जो डेटा दिख रहा है, क्योंकि मैंने गैलरी पर भी लॉक लगाया लेकिन यहाँ पर फ़ोटो देखेंगे तो दिख जाएगा, वो गैलरी पासपोर्ट यहाँ पे नहीं मांगेंगे। तो मैंने पिक्स आर्ट पे कुछ फ़ोटो रखा है, तो चलिए देख लेते हैं ओपन करके। तो ये मेरा बैकग्राउंड है, चलिए दूसरा दिखा देते हैं, दूसरा फ़ोटो। तो यहाँ पे ऊपर पे मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे मेरा फ़ोटो दिख रहा है। तो इस तरह से आपका फ़ोटो जो है लिखा जाता है। तो दोस्तों, आप लोग गलती क्या करते हैं कि सब जगह पासपोर्ट लगाते हैं लेकिन क्रोम ब्राउज़र पर पासपोर्ट नहीं लगाते। दोस्तों, आप लोग क्रोम ब्राउज़र पर भी पासपोर्ट लगाया कीजिए, तभी आप इस पे बच पाएंगे। तो दोस्तों, सॉल्यूशन ये था और चोरी कैसे होता है तो ये तो मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, लेकिन आपका सॉल्यूशन है कि आप क्रोम ब्राउज़र में भी पासपोर्ट लगाया कीजिए। यहाँ पे जितने भी है ऑडियो वगैरह सब यहाँ पे एक्सेस हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे ऑडियो प्ले हो रहा है, ये ऑडियो भी आप कुछ, मैं वीडियो भी चला के दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए मैं अपना वीडियो वाला फोल्डर यहाँ पर ढूंढ के दिखाता हूँ और चला के भी दिखा देता हूँ कि आपको कि किस तरह से। यहाँ पर देखें स्नैपट्यूब पे मैंने कुछ वीडियो डाउनलोड किया है, तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे वीडियो भी चल रहा है, यानी वीडियो भी आपका एक्सेस यानी चोरी हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका दोस्तों वीडियो चोरी हो रहा था। तो आप लोग क्रोम पर भी मतलब पासवर्ड लगाया कीजिए और यहाँ पर भी लॉक लगाया कीजिए, जो भी आप लोग लगाते हैं। तो दोस्तों, आज की ट्रिक्स जो है इसी पे बेस था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। उससे पहले मैं और एक ट्रिक्स दिखा देता हूँ आपको कि आप जो भी मतलब लॉक का उपयोग कर रहे हैं, यानी स्क्रीन ऐप्स लॉक का उपयोग कर रहे हैं, तो उस ऐप में क्रोम ब्राउज़र को भी मतलब लॉक कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को लॉक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे जब भी आप लॉक करेंगे तो उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। देखिए अब आपको दिखाते हैं। तो ये मैंने क्रोम ब्राउज़र पे लगा दिया पासपोर्ट, यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र देखिए, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए लॉक लग गया है, यानी वहाँ पे सर्च ही नहीं कर पाएगा जो बंदा जिसको भी ये ट्रिक्स मालूम है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।